ताड़ी खूप सुंदर अच्छा बनाना नमस्कार। इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे सिर्फ लगा कि मुझे अवार्ड देंगे और मैं निकल जाऊंगी, और जब मैंने उदित जी को देखा कि उनको भी बोलना नहीं पड़ा तो मैं बहुत खुश हुई थी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ओनस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है अब। मैं हमेशा से बस यही कहती हूँ कि कलयुग में जी रहे हैं हम, और हम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि किस चीज़ पे हमको ज़्यादा डिविडेंड्स मिलेगा, और एंड हम उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। पर आई जस्ट फील के इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या अगर हेल्थ नहीं हो। हेल्थ इज़ आर ग्रेटेस्ट वेल्थ। एंड मैं काफ़ी समय से इस जनरेशन को, आई थिंक जस्ट टू मेक देम अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, दैट्स बिन माई पैशन। एंड थैंक यू कि आपने मेरे इस पैशन को रिकग्नाइज किया, आपने मुझे यह सम्मान दिया। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टू वर्क इन दिस डायरेक्शन, एंड विद द हेल्प ऑफ योग इट्स केप्ट मी हेल्दी, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू बी हेल्दी। And that's all. Thank you so very much. Thank you. मेघाश्रय के इस मंच से शिल्पा जी को बहुत सारी बधाइयां। मैं चाहता हूं एक बार इन्होंने छोटा सा हमारा मार्गदर्शन किया है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू। और अब मैं ऐसे कलाकार के बारे में बात करना चाहता हूँ जो शायद मुझे मौका नहीं मिला कभी उनको ये बोलने के लिए, लेकिन आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। ऐसे महान कलाकार को परफॉर्म करते हुए देखकर ही हम जैसे बहुत सारे थे जिन्होंने सोचा कि चलो हम भी इस कार्य में घुस जाते हैं। कलाकार वो होता है जो कला को आकार देते हैं, लेकिन कुछ कलाकार वैसे होते हैं जो अपनी कला से हर आकार में खुद को ढाल सकते हैं। शेखर सुमन जी लेजेंडरी तो हैं ही, लेकिन आज जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत से ऐसे युवक थे कई साल पहले जिन्होंने शेखर जी को परफॉर्म करते हुए देखा, एंड आई डू से दिस सर, आई एम हियर बिकॉज आई सॉ यू परफॉर्म एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डू। लेकिन वैसे ही एक बहुमूल्य कलाकार जिन्होंने फिल्मों से लेकर टीवी से लेकर ओटीटी की दुनिया में जब भी अभिनय किया तो वह औरों के लिए मापदंड बन गया। हिंदुस्तान की कॉमेडी कटाक्ष और मेजबानी की जगह के जीते जागते इंस्टीट्यूशन है बतौर शेखर सुमन जी।